राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति और समृद्धि की परिकल्पना की थी, वह अब देश भर में साकार होकर सुशासन का रूप ले चुकी है। झारखंड राज्य में भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुशासन की नित्य नई पटकथा लिखी जा रही है, जिसके तल में है जन कल्याण व सतत विकास की उज्जवल भावना। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत पथरा ग्राम पंचायत। इस गांव ने टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी एवं ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत को अपनाते हुए बदलाव की लकीर खींची है। पथरा ग्राम पंचायत में सुदृढ़ कार्य प्रणाली के तहत सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों, सामुदायिक संगठनों और आम जनों को सहजता पूर्वक कार्य हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अंतर्गत अहम बैठकों के लिए सभा कक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए कमरे उपलब्ध हैं, जबकि पंचायत से संबंधित सभी सूचनाओं एवं विकास संबंधी गतिविधियों को ग्राम सभा सूचना पट तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं पंचायत भवन इंटरनेट की सुविधा से लैस है, जहां जनहित में प्रज्ञा केंद्र भी संचालित है। गांव के चहुमुखी विकास व समस्याओं के निदान को लेकर पंचायत भवन में प्रति माह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है, जिसमें लिए गए निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है तथा बैठक की गतिविधियों का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरी ओर प्रति माह ग्राम पंचायत की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाती है, जिसमें मुखिया द्वारा सभी संबंधित विभागों के मासिक कार्यों तथा योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है। पंचायत का वार्षिक लेखा व भौतिक प्रगति का अनुमोदन ग्राम सभा में किया जाता है। ग्राम सभा की विभिन्न समितियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों यथा नशापान आदि पर अंकुश लगाने का सार्थक प्रयास किया गया है, जिससे यह ग्राम पूर्णतः नशा मुक्त हो सका। इससे अब पंचायत क्षेत्र के नागरिकों द्वारा समुचित बचत की जा रही है। ग्राम पंचायत की ग्राम रक्षा समितियों द्वारा बच्चों, किशोरियों और युवाओं का सर्वांगीण विकास भी खुद में एक नजीर है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ओर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सेवाओं की गुणवत्ता पूर्वक सुपुर्दगी में महिला समूह के साथ अभिसरण किया गया है, तो दूसरी ओर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को सामुदायिक संगठनों तथा नागरिकों के श्रमदान से अधिक प्रभावी बनाने की पहल की गई है। पंचायत के विकास कार्यों, विशेषतः मनरेगा की गतिविधियों का समाजित अंकेक्षण भी नियमित रूप से किया जाता रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। खुले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता, नशा मुक्ति, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वास से मुक्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं विकास कार्यों में श्रमदान जैसी विशेषताएं पथरा ग्राम पंचायत के भविष्य को रोशन कर रही हैं। पंचायती राज को प्रभावशाली, पारदर्शी एवं कल्याणकारी रूप देने में सिटीजन चार्टर तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम की भी अहम भूमिका है। ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की दृष्टि से संजीदा प्रयास किए गए हैं। वैसे सभी नागरिक जो सरकार की योजनाओं के लिए पात्र हैं, उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया है, जिसमें बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना भी शामिल है। पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में झारखंड सरकार ने भी पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के रूप में एक सार्थक पहल की है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय हेतु प्रति माह 15,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। जब कल्याण के उद्देश्य से ईमानदार प्रयास किए जाते हैं, तो बदलाव की तस्वीर बेहद खूबसूरत बनती है, जिसकी एक जीती जागती बानगी है पथरा ग्राम पंचायत, जहां सशक्त हो रही है पंचायती राज व्यवस्था, विस्तृत हो रहा है सुशासन।